अस्सलाम वालेकुम, जो मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो ये मेरे लौकी के पौधों का साइज देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज चल रहा है। और इसका पत्ता देखें कितना बड़ा है, ये मेरा हाथ देखें और पत्ता देखें कितना बिग साइज का, ये पत्ता तो उससे भी ज़्यादा बिग साइज का है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनको हम वर्टिकल कैसे लगा सकते हैं। देखें, एक टोकरी के अंदर मैंने एक पौधा लगाया हुआ है, अब इसको हमने वर्टिकल ऊपर लेके जाना है। तो वर्टिकल के लिए मेरे पास ये एक लोहे का फ्रेम है, इस फ्रेम को लगाते हैं और देखते हैं कि फ्रेम को कैसे लगा सकते हैं ताकि हम इन दो लौकी के पौधों को वर्टिकल ऊपर लेके जाएं, जो हमारी लौकी लगे वो नीचे लटकी हुई हो और कितनी खूबसूरत लगेंगी, है ना मज़े की बात। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास एक लोहे की चारपाई थी, मतलब ये पूरा एक फ्रेम सा बना हुआ है। तो इस फ्रेम को हम सीधा ऊपर वर्टिकल खड़ा करते हैं और इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये दरअसल टोकरी के नीचे आया हुआ है, इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इसको छत के ऊपर हम किस तरीके से लगा। ये देखें, इस फ्रेम को मैंने ये यूँ सीधा खड़ा कर दिया, अब मैं ये पूरा फ्रेम आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेम देखें हमारा काफ़ी हाइट पर चला गया, ये देखें यहाँ तक। और अब हम नीचे क्या करने वाले हैं कि ताकि ये गिरे ना, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, इसकी इस जगह पे मैं एक क्लंप लगा दूँगा। क्लंप हम लोहे की एक पतरी लेंगे, उसको दो सुराख करेंगे, एक नट यहाँ पे लगाएंगे और एक नट यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये इसकी पकड़ हो जाए और हमारा ये फ्रेम पीछे की तरफ ना गिरे, तो ये अच्छी तरह मजबूत हो जाएगा। ये जो मेरी छत है, जो हम ऊपर छत के ऊपर लगा रहे हैं, ये छत के ऊपर मैं ड्रिल नहीं करूँगा, ये जो इसकी साइड बाउंड्री होती है छत की, ये उसके ऊपर मैं इसको ड्रिल करने वाला हूँ। यहाँ पे ड्रिल करूँगा और इस जगह पे, इस साइड पे भी कर देंगे ड्रिल, तो इंशाल्लाह ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो चलें ड्रिल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं पतरी खुद बना के ले आया हूँ, यहाँ पर दो सराह मार दिए, दो इधर, और इसको हम लगाएंगे यूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ड्रिल ऑल करूँगा। लेकिन इससे पहले हम पतरी को थोड़ा सा तिरछा करें। ये देखें, यहाँ पे मैं निशान लगाऊँगा। ये मेरे पास स्क्रू है, ये देखें गटिए हैं, स्क्रू है, ये इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ। ये देखें, एक गट्टी लगाएंगे, ये गट्टी पहले मैं साइज चेक कर लूँगा कि सही लग रही है या नहीं। अभी सुराख ने थोड़ा सा और खुला होना है, क्योंकि ये जो मेरे पास गट्टी है ये अच्छी क्वालिटी की है, हार्ड प्लास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है इसके साथ, और थोड़ा सा इसका साइज़ मोटा है आम गट्टी से, जो लोकल गट्टियाँ मिलती, तो इसलिए ये जो ड्रिल बिट मैंने आगे लगाई है ये उस साइज़ की नहीं है। ये देखें जी, अब लगेगी हमारी गट्टी। ये हल्की हल्की गट्टी को टाइट भी होना चाहिए, बिल्कुल लूज़ आपने गट्टी नहीं रखनी। और जब आप इसको हैम्बर से लगा रहे हो तो हैम्बर बिल्कुल हल्का मारना है, तेज़ मारेंगे तो ये ऊपर से एक साइड पे मुड़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ लगी होगी कि अगर आप कोई भी इस तरह की चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो इजीली लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको ओवरऑल दिखाता हूँ और डोरियाँ बांधते हैं बेलों के लिए। ये मैंने फ्रेम लगा लिया था, ये देखें, और यहाँ पे एक दो तारें यहाँ पे यूँ लगा दी हैं, और अब ये दो लौकी के जो हमारे पौधे हैं इनको आप ऊपर करेंगे
इनको ऊपर हैंग करने के लिए ये मैं एक डोरी लेके आया हूँ। डोरी में आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये एक डोरी लेके आया था मैं, और ये डोरी मुझे कितने की मिली है, 40 रुपीज़ की, 40 रुपये की मिली है। और कहाँ से मिली है, ये जो हार्डवेयर की शॉप होती है वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगी 40 रुपीज़ की। अभी का रेट है, आज मार्च की 3 तारीख है जब मैं इसे ख़रीदा है, तो 40 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो पौधे हैं बेलों वाले, उनको हम वर्टिकल लगा सकते हैं। तो चलें अभी इसको बांधने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पौधों को किस तरीके से बांधा जाता है ताकि पौधे नुकसान ना हो पौधों को। और आपने एक चीज़ नोट ये करनी है कि ये वाली जो डोरी है ये नरम होती है, ये धागा नरम होता है, ये बारीक धागा नहीं होता, थोड़ा सा मोटा धागा होता है। अगर आप बारीक धागा लेंगे तो वो आपकी बेलें ख़राब कर देगा, बेलें काट भी सकता है, हवा चलेगी तो वो बेलों के अंदर घुस जाएगा धागा आपका। तो इसलिए ये सूतर का आप धागा ले आए, या वो प्लास्टिक की एक मिलती है जिससे कार्टन वगैरह बांधे जाते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो चलें इसको लगाते हैं, इसको खोल लेते हैं पहले। लें जी, ये पिन्ना हमारा खुल गया, पिन्ना डोरो गुड्डी वाला पिन्ना खुल गया जी। तो चलें अब चलते हैं और उनको बांधते हैं जी। इसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि एक लकड़ी का ये टुकड़ा सा पीस सा ले लेंगे इस तरह से, जैसे ये मैंने एक ले लिया, कोई भी आप बारीक सा ले लें, मोटा ले लें। तो इसको हमने करना क्या है कि ये वाली डोरी पहले इसके साथ बांधेंगे, तो इस डोरी को मैं इसके साथ बांधता हूँ। ये देखें जी, बांध दिया। अब क्या करेंगे कि ये पत्ता पीछे मैं कर करता हूँ, ये देखें मैंने बांध लिया। अब क्या करेंगे, इस पत्ते को पीछे करेंगे और इसको मिट्टी के अंदर घुसा देंगे। मिट्टी के अंदर घुसाने से पहले मैं ये डोरी को ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये इजीली मिट्टी के अंदर चली जाए, और प्लांट के बिल्कुल करीब, मतलब जो मेन स्टेम्प है उससे 2 से 3 इंच का फासला छोड़ के आपने इसको यूं मिट्टी के अंदर घुसा देना। ये लेनी, ये देखें जी, डोरी लग गई हमारी, अब ज़बरदस्त हो गई है डोरी। अब हम क्या करेंगे कि अब इस बेल के इर्द गिर्द इसको घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, बहुत नरम हाथों से, आपने अपने पौधे को ख़राब नहीं करना। ये देखें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, थोड़े से लंबे लंबे आपने ये जो इसके इर्द गिर्द बल देने। ये देखें लग गया, अब मैं इस पौधे को इजीली उठा सकता हूँ ऊपर, और ये मेरा ऊपर की तरफ आ चुका है, पौधा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें जी, हमने खूबसूरती के साथ अपनी बेल को इजीली वर्टिकल हैंग कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी काम है। इसी तरह से ये दूसरे प्लांट को भी मैं डोरी लगा दूंगा। जब प्लांट का साइज कोई 1 फीट के करीब, 1.5 फीट के करीब हो जाए, तो आप तब श्योर करें कि आपने डोरियाँ इसको लाजमी लगा देनी है। जैसे देखें अभी 1.5 फीट के करीब इसका साइज़ था, तो मैंने इसके साथ डोरी लगा दी है। लें जी, ऊपर की तरफ मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि जब भी बेल आपकी थोड़ी सी बड़ी हो तो आप उसको हाथ की मदद से ट्रेन करेंगे डोरी के ऊपर चढ़ाने के लिए। और ये जो इसके एंटीने, ये क्लाइंबिंग करने के लिए होते हैं, तो ये खुद ब खुद फिर क्लाइंबिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आप इसके साथ दूसरी डोरी भी लगा देंगे यूं, तो ये एंटीने उसको भी पकड़कर मजबूती से बेल आपकी ऊपर की तरफ चलती जाएगी। अगर आपने मज़ीद मजबूती करनी है तो आप हाथ की मदद से यूं करेंगे इसको। ये लें जी, मैंने हाथ की मदद से इससे इसके गिर्द घुमा दी है। अब थोड़ी सी जब ये बड़ी होगी तो फिर मैं इसको इसके गिर्द घुमा दूँगा। ये सिंपल सा तरीका था अपनी बेलों को वर्टिकल हैंग करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।